भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में एक फिर नया प्रकाश है, नया उमंग आया है, जहां पर कांग्रेस की सरकार 15 महीने रह करके जिस तरह से जनता के मन में उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है और आगामी मध्य प्रदेश में पीतमपुर में नगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर जन्मभूमि टाइम्स और जेबीटी आवास की टीम आज हम पीतमपुर पहुंचे हैं, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी हमारे साथ में है, हेमंत जी हिंगोले जी, हिरोले जी, जिनका आज हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि इस जिस तरह से पंचायत नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया जारी है, तो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों के द्वारा और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की किस तरह से तैयारी है, इस बारे में हम पूरी दिन से प्रक्रिया विस्तार से जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे पंचायतों में जिस तरह से नगर पंचायत में आपके यहाँ पर जिस तरह से तैयारी चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी क्या क्या तैयारियां हैं? हमारे यहाँ नगर पालिका चुनाव है आगामी दिनों में, तो उसकी कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरे जोर शोर पे है। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बाल मुकुंद सिंह गौतम जी के आदेशानुसार हमारे शहर अध्यक्ष जगदीश सेन साहब और हम सभी साथियों ने हमें 31 वार्डों में हमारे उम्मीदवार जहाँ तक पूरे घोषित हो चुके हैं, डिक्लेरेशन होना बाकी है, लेकिन जहाँ तक नाम तय हो चुके हैं। और हमारी ये बीजेपी के जो भ्रष्टाचार है, नगर पालिका हो या प्रदेश सरकार का हो, ये भ्रष्टाचार उजागर करके हम लोग आगामी नगर पालिका चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस की नगर पालिका बनाएंगे हम लोग, जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदगण विजयी होंगे। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को जिस तरह से उजागर हो रही है, अभी तक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर में ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि जनता की मांग रही है और जो अभी तक पूर्ति नहीं हो सकती नगर पालिका, क्या क्या मेन वहाँ पे वो है, एजेंडा रहेंगे? देखो सर, भाजपा का तो पूरा भाजपा के पूरे देश में तीन घोषणावीर है। एक आपको केंद्र में घोषणावीर नरेंद्र मोदी के रूप में देखा जा सकता है, उन्होंने वादे करते करोड़ों लोगों को मजदूर रोजगार देने की बात करी थी, शिक्षा देने की बात करी थी, अच्छे दिन लाने की बात करी थी, ये इनका कोरा घोषणावीर पत्र। वैसे ही हमारे दूसरे घोषणावीर मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री, पिछले दरवाजे से बने हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घोषणावीर के गिनती में आते हैं। वैसे ही हमारे पीतमपुर में भी ये घोषणावीर है। इन्होंने पिछले 15 साल में चाहे आदिवासी समाज के बीच में हो, चाहे मातोश्री के बीच में हो, चाहे SC ST समाज के बीच में हो, कई घोषणाएं करी इन्होंने कि हम आपके लिए सामुदायिक भवन बना देंगे, इस समाज के लिए वहां सामुदायिक भवन बना देंगे। ये सिर्फ कोरी इस पीतमपुर के घोषणावीर के द्वारा घोषणा की हुई। पीतमपुर में मूलभूत सुविधा शिक्षा के रूप में होना चाहिए थी, या कॉलेज विगत कई सालों से चल रहा है, लेकिन भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में है, केंद्र में है और पीतमपुर में भाजपा सरकार की है, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग अभी तक यहाँ नहीं बनी है, नहीं आ या पीतमपुर की छात्र छात्राओं को इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इनको इंदौर, मऊ और धार जैसे शहरों में जाना पड़ता शिक्षा। ये सबसे बड़ी कार्य था, लेकिन नगर पालिका ने जो अनुचित काम है, गेट बनाना, भाई आपको सर्विस रोड की जरूरत है पीतमपुर में, आप सर्विस रोड की व्यवस्था नहीं करें, अननेसेसरी काम, जिस काम में नगर पालिका को ज्यादा कमीशन वाला मामला होता है, वो कार्य नगर पालिका ने किए गए जिसका हम विरोध करते हैं। और आगामी विधानसभा में इनका पर्दा नगर पालिका में और विधानसभा में पर्दाफाश करेंगे और बीजेपी को हम धूल चटाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा का किया जा रहा है और पीतमपुर मजदूरों से जुड़ी ही नगरी है, जहां पर इस यात्रा का किस तरह से मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आप सर निश्चित ही जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की यात्रा निकाली है, निश्चित ही इसमें एक जनमानस में, सिर्फ कांग्रेसी जनों में नहीं, जनमानस में, जन सामान्य नागरिकों में भी एक गुस्सा आया है कि जिस प्रकार से पिछले 8 साल से देश में नफरत फैलाई जा रही, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी रोजगार के नाम पर हमेशा लड़ाया जा रहा है, इस नफरत के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा, एक बहुत बड़ी तपस्या है ये भाई, इतने बड़े व्यक्ति द्वारा ये पदयात्रा निकाली गई, ये बहुत बड़ी तपस्या है। निश्चित ही इस तपस्या का सिर्फ पीतमपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और भारत को इसका लाभ मिलेगा। और जिसका नमूना आप देख सकते हैं, बीजेपी MCD दिल्ली में भी हारी और क्षेत्र में उपचुनाव में बीजेपी हारना सिर्फ इनके गृह राज्य नरेंद्र मोदी का, बीजेपी सिर्फ गुजरात में अपनी लाज बचा पाई, हिमाचल भी लाज पाई, ये सिर्फ राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा नजर आ रहा है।
सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जिस तरह से नगर पालिका यहाँ पे कार्य कर रही है, तो नगर पालिका निष्पक्ष तौर से उसने अभी तक क्या कार्य किए हैं, ऐसे कुछ कार्य गिना सकते हैं या फिर उनकी क्या उपलब्धियों में कहाँ का कमियां है, इस बारे में आपका क्या? नगर पालिका ने जनहित के काम तो मुझे नहीं लगता ज्यादा किए हो। नगर पालिका ने भावना द्वेषता की भावना, बदले की भावना रखते हुए कभी कांग्रेसियों का कभी अतिक्रमण के रूप में कोई होटल तोड़ा हो या कोई उनके प्रस्थान तोड़े हो या किसी कांग्रेसी ने अच्छा काम करने का प्रयास करा तो उनके कार्य या उनके प्रतिष्ठान तोड़ने का काम करा। मुझे नहीं लगता कि जनहित में कोई इन्होंने कोई ऐसे काम किए गए, क्योंकि जहाँ भी मतलब बिना परमिशन से ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जो कागजों में तो दिखते हैं। इन्होंने बार बार गवर्नमेंट के राशि को इन्होंने बताया कि भाई अमृत जल योजना और ये जल योजना, बहुत सारी योजनाएं कागजों में दिख रही है लेकिन यथार्थ में वस्तु स्थिति में भौतिक रूप से पूरे पीतमपुर वासियों को आज भी उसका सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि पीतमपुर को ये सिर्फ भाजपा के द्वारा घोषणा वीर के द्वारा लॉलीपॉप देके लुभावने वादे करके लूटा जा रहा। अभी भी देखने में आ रहा है कि चुनावी माहौल है कि वह जगह जगह पे जा रहे लाखों रुपए के भूमि पूजन करके लोगों को ठगने का प्रयास अभी भी भाजपा के द्वारा किया जा रहा। इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे तरफ हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय बालमुकुंद सिंह गौतम जी के नेतृत्व में हम लोग नगर पालिका का चुनाव और हमारे शहर अध्यक्ष जगदीश सेन के नेतृत्व में हम पूरा 31 वार्डों में चुनाव दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर समय रहा तो हम लोग कम से कम 22 से 26 नगर पालिका में पार्षद चुनाव जीता के लाएंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से 15 महीनों की सरकार रही है माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की, और इसी के साथ साथ जब यहाँ पर पीतमपुर में यदि नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यदि पूर्ण बहुमत मिलता है जनादेश आपको मिलता है, पूर्ण बहुमत मिलता है, तो आपका इसमें जनता को किस तरह से उसका लाभ मिलेगा, इस बारे में? हमें पीतमपुर में अगर जनादेश मिलता है तो हम सर्वप्रथम आस्था के मंदिरों के साथ साथ शिक्षा के मंदिर, एक कॉलेज की बड़ी बिल्डिंग और एक महिला कॉलेज की भी बिल्डिंग के साथ एक हॉस्टल की हम मतलब प्राथमिकता रहेगी हमारी। उसके साथ ही साथ पीतमपुर में एक बड़ी लाइब्रेरी बनाने का हमारा प्रस्ताव है, और रोजगार लोगों को जो लोग रोजगार नहीं मिल रहा है वो रोजगार के संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार हमारे यहाँ चलाया जाए, वो सेमिनार पर हम लोग एक बहुत ही अच्छी पहल करने का प्रयास करेंगे। खास करके मुख्य तौर पर हम लोग तो कॉलेज और महिला कॉलेज बिल्डिंग बनाएंगे और साथ में और एक पीतमपुर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाने का भी प्रस्ताव है। लाइब्रेरी के साथ साथ हमारे प्रेस क्लब, काफ़ी दिनों से पीतमपुर मीडिया के लोग परेशान हैं और मीडिया वालों के लिए प्रेस क्लब के लिए एक भूमि आवंटित करके उनको भी एक प्रेस क्लब का भवन बना दिया जाएगा। ये हमारी पीतमपुर में प्राथमिकता रहेगी। जन्मभूमि टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से इन्होंने एजेंडे तैयार किए हैं कि जिस तरह से सभी को न्याय और उसका हक दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी योजना बना ली है, अपना प्रतिज्ञा पत्र बना लिया है, और हम जन्मभूमि टाइम्स जेबीटी आवास टीवी के लिए से शुभेच्छा उनकी शुभकामना देते हैं कि कांग्रेस पार्टी पुनः एक बार यहाँ पर विराजमान हो और सत्ता में आए और जनता के आश्वासन पर खरी उतरे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ एक प्रश्न और जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पीतमपुर क्षेत्र के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और साथ साथ यदि आपको चुनाव लड़ने का यदि मौका मिलता है तो किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे और आपका किस तरह से जनता में आपका प्यार है, समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, इसमें आपकी कहां कहां से क्या अपेक्षा है? तो पीतमपुर में मैं जयनगर का निवासी हूं, जैसे तो पीतमपुर तारपुरा मेरे सभी क्षेत्रों में कार्य करता हूं। चूँकि पीतमपुर में जो वार्ड नंबर 17 है वो जयनगर का क्षेत्र है और उस जयनगर का मैं रहवासी संघ का अध्यक्ष हूं और विगत 20 साल से मैं उनकी जनता की सेवा कर रहा हूँ। नगर पालिका के खिलाफ हो या कॉलोनाइजर के खिलाफ हो, सुविधा के लिए मैं सतत लड़ा। उसके खिलाफ कई मेरे खिलाफ झूठे मामले भी दर्ज करे कॉलोनाइजर के द्वारा, बट मैंने जयनगर की सेवा करी। अगर मुझे कांग्रेस पार्टी अवसर देती है तो मैं निश्चित ही जयनगर वार्ड नंबर 17 से चुनाव लड़ूंगा, और मेरा चुनाव जीतने के बाद भी मैंने जैसा मुझे जनादेश मिलने के बाद मैंने बहुत बोला है कि सर्वप्रथम यहाँ ESI का हॉस्पिटल शैंशन हो चुका है लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी। उसके साथ साथ हम पीतमपुर में एक बड़े हॉस्पिटल की योजना भी बना रहे हैं और ये प्रस्तावित है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि हम लोग पीतमपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे ताकि पीतमपुर के जो हमारे वर्कर लोग हैं, लेबरिस्ट टाइप के लोग हैं, लाखों लोग हैं जो इनको यहाँ एक छोटी सी जाँच करने के लिए पीतमपुर से इंदौर तक जाना पड़ता है, वो असुविधा होती है, वो सुविधा
देने के लिए हम लोग काम करेंगे। उसके साथ जो हमारे आदिवासी भाई एस सी एस टी के लोग रहते हैं, जैसे मरीमाता, तारपुरा, खेड़ा, जामोदी, अन्य सभी क्षेत्रों में रहते, इंडोरामा भी इन लोगों ने जानबूझ के लोगों के मकान तोड़े हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग कांग्रेस के तरफ से अपने जगहों पे रखकर उनको हम पट्टे भी आवंटित करेंगे और उनके पक्के मकान बनाने की भी हमारी योजना है। ऐसा हम ये जनहित में कार्य करेंगे। ये थे माननीय डॉक्टर हेमंत हिरोलो जी, जिन्होंने अपने नगरपालिका का क्षेत्र में आने वाले चुनाव को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बहुत जगहों पे ऐसा देखने में आया है कि कई वार्डों के अंदर में वार्डों का विभाजन किया जाता है और इन विभाजनों को लेकर के सुविधाओं में कई दिक्कतें आती हैं, इसको लेकर के मैं और जानना चाहूँगा कि क्या प्रक्रिया है। क्या होता है कि 2017 की जनगणना वैसा तो देखा जाए नगर पालिका ने पीतमपुर की जनता के साथ धोखा किया है कि भाई इन्होंने जो वार्ड बनाने थे कि बीजेपी के हिसाब से इन्होंने वार्ड का सीमांकन करके वार्ड बनाए हैं, जो कांग्रेसी वोटर है उनको अलग कर दिया है, उनको बांट दिया। जैसा कि भैया 16 नंबर का वार्ड बजरंग नगर में आता है, लेकिन उसके कर करके जयनगर के बाहर भी एक उसको एरिया बना लिया। तो ये वार्ड विभाजन में उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया। भाई जैसे तारपुरा का एक वार्ड है, तारपुरा गोला सिलोटिया एक है, लेकिन उसमें एक शिव ढाबा भी डाल दिया और आदर्श कॉलोनी भी डाल दी। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को फेल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये इनकी कूटनीति है कि भैया जामोदी कहाँ पे है और अकोलिया कहाँ पे, खेड़ा कहाँ पे है और डाक बंगला कहाँ है। इन्होंने मतलब इतने अस्त व्यस्त कर दिए ताकि बीजेपी सरकार में आए, ये इनका है। और पीतमपुर शहर में जो छोटे छोटे वार्ड बनाए हैं, 1,500 के 2,000 के वार्ड बनाए, और शहर में जहाँ बाहरी क्षेत्र का लोग रहते हैं वहाँ 5,000-6,000 लोगों की आबादी है। ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की कूटनीति है और ये जनता के साथ धोखा है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करेगा। हो सकता है उस समय हमारे द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने हमारी एक बात न सुनते हुए इसको फाइनलाइज कर किया है, जिसका हम लोग इनको, इनकी जनता ही इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले चुनाव में इनको पटकनी देगी जनता। ये जनादेश ही होगा इनके खिलाफ और निश्चित ही कांग्रेस की विजय होगी। जी सर, एक इसी के साथ साथ एक मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिस तरह से दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव, सॉरी एमसीडी चुनाव हुए हैं, और एमसीडी चुनाव में देखने में आया है कि विधानसभा स्तर की जो सूची है, मतदाता सूची है, और नगरपालिका क्षेत्र की सूची है, मतदाता सूची है, इनमें दोनों में बहुत से नामों में अंतर आया है कि जो विधानसभा की सूची में नाम है वो नगरपालिका की सूची में नाम नहीं है। क्या इसमें आपने अभी तक क्या संज्ञान में लिया है? संज्ञान में लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भाजपा के लोग, इनके साथ जनादेश नहीं होता है, इनके साथ कभी भी जनता नहीं होती। आप इनके बड़े बड़े कार्यक्रम देख सकते हैं, इनके कार्यक्रमों में लोग नहीं रहते, लेकिन ये क्या करते हैं कि आदमी के भाई यहाँ से हमारे पास लोग नहीं आ रहे ना, तो वोटर लिस्ट में से नाम काट दो। भाई इनके साथ 1,000 लोग है, 500 लोग है, 200 लोग वोटर काट दो। अब ये लोग भौतिक रूप से हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट से ये कहीं ना कहीं नाम काट के हमारे साथ दूर कर देते हैं। इस प्रकार से ये कूटनीति करने के बाद, मतलब कूटनीति की वजह से ये चुनाव में सफल होने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये कितनी भी कूटनीति करे, लेकिन आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जनता को छला है। कभी अच्छे दिन के नाम पर आप देख लो, महंगाई चरम सीमा पर कोई बात नहीं करने को राजी। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, 60 रुपए का पेट्रोल 110 रुपए हो गया, 55 रुपए का डीजल 100 रुपए हो रहा, इसमें कोई बात करने को राजी नहीं। भाई आप मीठा तेल, आप 150 सरसों का तेल देने जाओ तो 200 रुपए केजी हो गया, इस चीज को कोई देखने को राजी नहीं है। महंगाई बीजेपी के सेशन में डायन हुआ करती थी, अभी कांग्रेस के सेशन में महंगाई डायन हुआ करती थी। बीजेपी के शासन में उनको ऐसा लगता है कि उनकी भौजाई हुई ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि महंगाई पे उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। दूध के भाव देख लो आप, सभी चीजों के भाव देख लो, आसमान छू रहे। लेकिन भाजपा ने जो अपनी कथनी और करनी में यही फर्क है, इसलिए इन घोषणा विरोध के बातों में नहीं आ रहा। मैं तो पीतमपुर की जनता से भी एक संदेश और एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो चुनावी माहौल में घोषणा विरोध के द्वारा जो भूमि, लाखों रुपए के भूमि पूजन किए जा रहे हैं, 4 लोगों के साथ जाके कभी यहाँ पे कभी अलग अलग वार्डों में, ये सिर्फ इस घोषणा वीर की झूठी घोषणाएं हैं और ये कोई पूरी करने वाले नहीं। इसमें कई हमारे आदिवासी भाई इसे भुगत भुगी है। हमारे आदिवासी समाज को 15-20 सालों से ये आवेदन, ये घोषणा करते रहे कि आपको भवन बना के देंगे, भवन बना के देंगे, लेकिन चाहे वो
बैतूल वाला समाज हो या गोंडवाना हो या हमारा जयस हो या बीमार मिगर लोग हो, इनको इन्होंने आश्वासन दिया, बरगलाने की बात करी, लेकिन हमारी जनता अभी इनके बहकावे में नहीं आने वाली। महंगाई के साथ साथ महंगाई डायन खा जाए जिस तरह से कहावत रही है, और निष्पक्ष तरीके से विभाग से निष्पक्ष तरीके से उन्होंने जवाब दिया। ये थे डॉक्टर हेमंत हिरोले जी, समाज सेवी एवं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पीतमपुर से। जम्मू टाइम्स के लिए पीतमपुर से प्रभु कुमार चित्री की खास रिपोर्ट।